नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने जिला अस्पताल परिसर में दिया धरना। जिला अस्पताल प्रबंधन ने 3 दिन में वेतन डालने की बात कही। श्योपुर जिला अस्पताल में पदस्थ सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने से नाराजगी जताई है। उन्होंने श्योपुर जिला अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर दिया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि उन्हें 3 माह का वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके आगे अब दिवाली का त्यौहार मनाने में खासी परेशानी होगी। जब सफाई कर्मियों के धरना की जानकारी सिविल सर्जन को लगी तो सिविल सर्जन तत्काल मौके पर पहुंचे और काफी समझाइश के बाद उन्होंने धरना को समाप्त करवाया। सिविल सर्जन ने सफाई कर्मियों को 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन में आपकी वेतन नहीं आई तो आप आगे की कार्रवाई कर देना, परंतु सिविल सर्जन ने सफाई कर्मियों को कहा कि 3 दिन में सफाई कर्मियों की वेतन उनके खाते में आ जाएगी। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। रवि भाई, आपने आज सफाई कर्मचारियों ने सबने मिलकर काम बंद हड़ताल का आवेदन दिया है, किस तरह का मामला? आवेदन इस प्रकार है सर, दिवाली का टाइम है, अगली बार भी हमारी काली दिवाली रही और करीब हमें 2 महीने की अभी भी सैलरी नहीं मिली है सितंबर और अगस्त की, तो हम इसलिए कर्म काम बंद हड़ताल के लिए सर को आवेदन देने आए थे, मगर सिविल सर्जन के द्वारा हमें आश्वासन दिया है कि बुधवार तक हमें आप लोगों की सैलरी आ जाएगी। किसी को भी लेकर हमने आज जो हड़ताल हम जारी कर रहे थे वो स्थगित कर दिए कुछ समय के लिए। यदि हमारी सैलरी नहीं आती है तो फिर हम जो अपने कार्य जो बंद है करेंगे वो करेंगे, फिर अगर सैलरी आ जाती है तो ठीक ही। सफाई कर्मचारियों द्वारा आवेदन दिया गया है कि तो क्या मामला है? दरअसल सफाई कर्मचारियों को वेतन को लेकर समस्या है और काफ़ी समय से समस्या चली आ रही है। अभी उनको जुलाई तक का वेतन का भुगतान हो चुका है, अगस्त का भुगतान हम 15 दिन से अधिक समय हो गए कंपनी को कर चुके हैं, लेकिन उसके दौरान इनके खाते में नहीं डाला गया है। हमने कंपनी के अधिकारियों से ही बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो शीघ्र ही से वो खाते में डाल देंगे। 3 दिन पहले उन्होंने सितंबर के बिल हमको भेजे हैं, तो आज वो प्रोसेस में है, आज उसका भी इनका भुगतान हो जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको अक्टूबर का भुगतान भी जो है 20 तारीख तक की अटेंडेंस लेके उसको जो हम प्रोसेस में लेके कोशिश करेंगे कि दीपावली के पहले अक्टूबर भी का भी इनको भुगतान हो जाए। तो मैंने इनको सभी कर्मचारियों से बात की है और सभी ने अभी जो है अपनी हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है और आशा है कि बुधवार तक इनके खाते में जो है कम से कम अगस्त की सैलरी आ जाएगी और उसके 2-3 दिन पश्चात इनकी सितंबर की सैलरी भी इसमें आ जाएगी।